हाँ तो बच्चों अब आते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अ सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने फेंक दिया, ठीक है ना बच्चों। सॉल्यूट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल ब्रेक इनटू आयंस। तो बच्चों पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमारी चार, उनका फॉर्मूला कब वैलिड है वो बताता हूँ। जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हेन दैट फॉर्मूला इज वैलिड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कब करेक्ट आंसर आएगा? पहला, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, कई बार सुन चुके हैं हम। और जब डाइल्यूट है, डाइल्यूट दो तरीके से लिखा होगा, या तो लिखा होगा डाइल्यूट का, या फिर वाटर अगर सॉल्वेंट है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml लिखा होगा, ठीक है ना बच्चों। और इस केस में होता क्या है, इसमें तुम्हारा मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग बराबर हो जाती है, प्लस जो तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज, एक्स बी एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, वो हमारा एन बी बाय एन ए रह जाता है जब सॉल्यूशन डायल्यूट है। एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, सॉल्वेंट के मोल आर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। दूसरा, सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, और एसोसिएट अब हम इसी का देखेंगे, एसोसिएट और डिसोसिएट को भी हम स्टडी करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूट इज ब्रेकिंग डाउन और द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू गिव बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है ना गाइस। ये जो एसोसिएट या डिसोसिएट करता है, देखो बच्चों हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल निकाला हमने बहुत कुछ है, लेकिन जर्नल हमारा जो यूज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, दैट इज टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना बच्चों। जब तुम्हारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा वो डिफरेंट निकल के आएगा, जिसे आना चाहिए 40, तो आ रहा है शायद 28, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है। गेटिंग द आइडिया, मतलब जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा, यू गेट व्हेन डिसोसिएट या एसोसिएट, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास करेक्ट नहीं आएगा, वी गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, वी गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, गलत मॉलिक्यूलर मास बेसिकली आ रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट? राइट, तो पहले आते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिया इथेनोइक एसिड, हमने क्या लिया इथेनोइक एसिड। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड को हमने लिया इन बेंजीन, किसमें लिया बच्चों? इन बेंजीन, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है गाइस, नॉन पोलर एंड द सॉल्यूट इज पोलर, तो कुछ खास इसके बॉन्ड सॉल्वेंट क्या तो बनेगी सॉल्यूट के, तो वो सॉल्यूट अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले, इट विल नॉट फॉर्म बॉन्ड्स विद सॉल्वेंट, सॉल्यूट विल फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर सॉल्यूट पार्टी, इट फॉर्म्स अ डायमर, फॉर्म्स डायमर, डायमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। दिख रहा है डायमर बनता हुआ गाइस? अब हमारा डायमराइज कर गया। अच्छा बच्चों एक चीज, अगर मैं इथेनोइक एसिड बेंजीन के बजाय वाटर में लूंगा, तो वाटर में तो इट इज पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, तो यहां पे जब इथेनोइक एसिड बेंजीन में है तब तो वो डायमर बना रहा है, टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल, और जब तुम इथेनोइक एसिड को वाटर में लोगे तो बंदा डिसोसिएट कर जाएगा टू गिव CH3CO- NH+, मतलब एक जगह नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, डाइमर हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। तुमने सपोजिंग 10 मॉलिक्यूल दिए थे CH3COH के, तो एक्चुअली कितने बचे हैं? 5। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आंसर किस कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से आएगी? 5। क्लियर है ना? मतलब अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है
तो उसके अंदर तुम्हारा, या लेट अस से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, वो तुम्हारा 5 मॉलिक्यूलर सॉल्यूट के हिसाब से आएगा वो वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? हाँ, तो कोई डाउट तो मैं बताता हूँ। पहली चीज, तुम्हें ये पता है या नहीं पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। कुछ समझ आया नहीं आया, पहले ये बताओ। तुम देख सकते हो हमारा डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, उसी में थोड़ी गड़बड़ होती है। बल्कि डेल्टा पी बाय पी नॉट ए क्या होता है, एक्स बी एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तुम कहोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा है एन बी के, क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में एन बी आ रहा है। मैं कहूंगा अगर डायल्यूट है तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एन बी बाय एन ए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, आ गया नहीं आ गया? डायल्यूट है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा हो गया, बात है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो अगेन इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हर एक में, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वही वर्क करेगा। मोलैरिटी ले रहे हैं, मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इवन देन। कोई डाउट यहाँ तक? अब मोल्स को मैं लिख सकता हूँ ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना, क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रहा है कि मोल्स को मैंने ग्राम का मोल का मास लिखा है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल का मास। मतलब हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको ऐड किया, अगर उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई आ रही है, मतलब उसका मोल का मास क्या होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो आ रही है तो मोल का मास इज हाई। अभी मुझे बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या हो रहे हैं एसोसिएशन के केस में? कम हो रहा कम हो रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, आए ना बच्चों? तो तुम्हारा मोल का मास ऑफ सॉल्यूट जो निकल के आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल मोल का मास जो आना चाहिए था। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? जब तुमने 10 10 मॉलिक्यूल्स या मोल्स लिए सी एस सी सी एच के, एक्चुअली मोल्स कितने बच गए, 5। तो तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आई, क्योंकि तुम्हारे एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है। तो ये तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा सॉल्यूट का, जब तुम कैलकुलेट करोगे वो ज्यादा आएगा, एक्चुअल से ज्यादा आएगा। अगर एक्चुअल 40 है तो पता चलेगा अब कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तुम ये देखो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी क्यों हुई, क्योंकि 10 के हमारे कितने मॉलिक्यूल बच गए, 5 बच गए, और 5 बच गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होगी तो मॉलिक्यूलर मास विल कम आउट डबल। सी एस सी सी एच का अगर मॉल के मास एम नॉट है तो हम जब निकालेंगे वो 2m0 आएगा आंसर, मतलब द वैल्यू यू विल गेट इज 2m0 इज द आंसर। ये कब है, जब तुम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम कर रहे हो। अगर तुमने डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम लगा लिया फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, तो जो हमारा मॉल का मास आएगा दैट विल बी डबल ऑफ द एक्चुअल मॉल का मास जो होता है। क्लियर और नॉट? समझ गए? अगर मैंने यही फॉर्मूला लगाया तो मतलब बेसिकली हमारा लेफ्ट और राइट जो है वो तुम्हारा दे आर नॉट सेम। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम कर रहे हो तो यहाँ से मोल्स, मोलैलिटी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्राम बाय मोल का मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। है ना बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? हमने डाले 10 मोल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई 5 मोल के हिसाब से, तो यहाँ पे जो मॉल का मास आएगा वो डबल आएगा ऑफ द एक्चुअल। मतलब तुम्हारी वैल्यू गलत आ गई, मॉल का मास की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, गलत आ गई। तो हमें ये इक्वेशन रेक्टिफाई करनी है ताकि हमारा जो मॉल का मास निकल के आए वो एक्चुअल निकल के आए। कोई डाउट यहाँ तक? जो एक्चुअल मॉल का मास है वही हमें आंसर। अब आते हैं डिसोसिएशन पे बच्चों। अभी हमने देखा एसोसिएशन, नाउ लेट अस गो ऑन टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या है, तुम्हारा सी एस सी सी ओ एच इन वाटर ले लो इन एच टू, या तुम के सी एल ले लो, एन ए सी एल ले लो, एम जी सी एल टू ले लो। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? ये क्या करेगा, इट विल डिसोसिएट टू गिव यू आयरन।
वैसे भी वीक एसिड है, पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग में मान कर रहा हूँ कि सपोजिंग HCl लिया होता, दैट वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पूरा डिसोसिएट करता, हाँ है ना। एच प्लस और सी एल माइनस, अगर एक मोल एच सी एल ले रहे हो तो टोटल एच प्लस और सी एल माइनस के कंबाइंड मोल कितने होंगे, दो हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आएगी, क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आ गई, मतलब जो तुम्हारा मॉलिक मास एच सी एल का निकल के आएगा वो आधा आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के सी एल में भी अगर तुम ले रहे हो और तुमने फॉर्मूले को मॉडिफाई नहीं किया टू अकोमोडेट फॉर डिसोसिएशन, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली केसीएल का जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसका आधा आएगा, ठीक है ना बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डबल होगी, मॉलिक्यूलर मास हमारा आधा निकल के आ रहा है केसीएल। गॉट इट ऑन ऑन? गुड। तो इसमें हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा बच्चों? कम निकल के आएगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल। तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा टी बी इक्वल टू केवीएम से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट विल बी लेस देन एक्चुअल। गाइज ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर होगी? ओके हमने कहा बात है हाउ टू मॉडिफाई द इक्वेशन वैन हॉफ फैक्ट। आई आई इज एक्चुअली इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय वी कैन से थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहेंगे डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, ये एक्चुअली ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्चुअली तो यही आ रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ है ना। दिस विल बी इक्वल टू आई एक्स बी, दिस वॉज अ थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थियोरेटिकली हम मान के चल रहे थे इतना आनी चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो नहीं आई, ठीक है ना बच्चों? ये थियोरेटिकल है, दिस इज द थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट डेल्टा डी बी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आई इंटू थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगेन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आई टाइम थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर एक जगह हमने आई से मल्टीप्लाई कर, कोई डाउट यहां तक? अब एक और काम की चीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हम कह सकते हैं इट इज एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट? कैन आई राइट दिस डाउन एज एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बच्चों, ठीक है ना? एक्चुअल मोल जो बने आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बाय मोल्स टेकन। इनिशियली, इनिशियली इन द सेंस मोल्स टेकन इनिशियल दैट इज बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इट इज बेसिकली ऑब्जर्व की जगह हमने क्या लिख दिया एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, ठीक है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कोई डाउट यहां तक बच्चों? मैं इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट वी टुक। एक और फॉर्मूला जिसको हम रेयरली यूज कर रहे हो, आई कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, क्योंकि हमारा मोल्स इज मतलब मोल्स इज ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हम कह सकते हैं इट विल बी थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास या लेट अस से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मतलब एक काम करो मोल्स के लिख दो ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो है तुम्हारा क्या बच्चों? ऑब्जर्व, और यहाँ पे आ गया ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? तो ये वही आ गया, ये जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा है ये यहीं से आ रहा है, क्लियर है ना? कि बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि सी एस सी ओ एच इन बेंजीन, ठीक है ना बच्चों?
सीएसई सीएच इन बेंजीन में से मोल के मास हमें सीएसई सीएच का कितना होता है गाइस, एक बार निकालना प्लीज। सीएसई सीएच का कितना होता है कि मैं आई डोंट वांट टू टेक अ सिक्सटी सिक्सटी है बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि 120 निकल के आया, कितना मॉल का मास निकल के आया 120, तो हम आई डायरेक्टली निकाल लेंगे एज 120 बाय सॉरी 60 बाय 120। नॉर्मल मॉल का मास वाज 60 एंड ऑब्जर्व इज 120। क्लियर और नॉट गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? थोड़ी भी क्लैरिटी कम आ रही होगी, बट डोंट वरी अबाउट, क्वेश्चन जब करेंगे देन द क्लैरिटी विल इंक्रीज अ लॉट। यहां तो कोई डाउट? नॉर्मल मॉल के मास 60 बाय ऑब्जर्व विच इज 120, हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट यहां तक? आई ज्यादा अभी मैं बताता हूँ, हाँ वही चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। आई ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि मोल्स एक्चुअल आर ग्रेटर देन मोल्स टेकन, तो आई ग्रेटर देन वन का मतलब होता है डिसोसिएशन। और अगर हमारा आई लेस देन वन है तो हम कहेंगे यार मोल्स कम हो गए, तो इट मींस एसोसिएशन। और अगर हमारा आई इक्वल टू वन है तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनका आई इज वन, दे डोंट डिसोसिएट और एसोसिएट फॉर दैट मैटर। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, क्लियर होगी ये चीज। अब आते हैं, लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट आई। आई इक्वल टू वन के कुछ एग्जाम्पल ले ले, जो मैंने अभी बोला था, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, आई ग्रेटर देन वन पे आते। अब बच्चों देखो, आई ग्रेटर देन वन, इसमें आई ग्रेटर देन वन में क्या ऑप्शन है हमारे पास वो देखो। पहले लेते हैं एनएसीएल, एन ए प्लस प्लस सी एल माइ, हम कहेंगे इनिशियली गाइस देखो ये मोल्स की रेशियो ले रहे हैं, आई के लिए क्या ले रहे हैं, मोल्स की रेशियो, टोटल मोल्स फाइनली बाय टोटल मोल्स इनिशियल। और जब रेशियो ले रहे हैं तो आई निकालने के लिए यू कैन अज्यूम इनिशियल मोल्स एज वन, मतलब ए में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन अज्यूम द इनिशियल मोल्स एज वन, क्योंकि तुम तो मोल्स की रेशियो ले रहे हो, ठीक है ना बच्चों? इनिशियल मोल्स वन थे, सपोजिंग ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया तो कितने मोल्स बन गए फाइनली, फाइनली कितने मोल्स हैं गाइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम कहोगे सर ये दो, ध्यान ये रखना यहाँ पे अगर ये भी होता अनडिसोसिएटेड तो ये भी हमारा काउंट होता सॉल्यूट के अंदर, मतलब द टोटल मोल्स फाइनली इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जीरो है क्योंकि बंदा पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया। लेकिन अगर तुम्हें मोल्स लेने हैं तो यू हैव टू टेक ऑल थ्री ऑफ देम, एन ए सी एल, एन ए प्लस एन सी एल माइनस। अब फाइनल मोल्स कितने आ चुके हैं हमें हमारे बच्चों, टू, और मोल्स लिए कितने थे इनिशियली, वन, सो आई की वैल्यू आ गई 2/1, टू बेसिक। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? सपोजिंग क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दे रखा एन ए सी एल के बारे में, हमें एन ए सी एल का से कंसंट्रेशन दे दी, टेम्परेचर दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, कुछ नहीं बता रखा एनएसीएल के बारे में, तो कितना डिसोसिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बताया डिसोसिएट करेगा पहली चीज, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना परसेंट डिसोसिएट कर गया, तो हम मान के चलेंगे पूरा का पूरा डिसोसिएट करेंगे, आई इन दैट केस क्या आ जाएगा बच्चों, टू, सो पाई विल बी इक्वल टू 2 × CR2, गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? लेकिन हमें कह रखा है कि एनएसीएल का परसेंटेज डिसोसिएशन हमें दे रखा है, क्वेश्चन अल्फा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे इनिशियली वन था, अब मैं अल्फा की टर्म्स में कर रहा हूँ कि पूरा डिसोसिएट नहीं करा है नहीं। अगर अल्फा वन होता है, अल्फा वन का मतलब पूरा 100% डिसोसिएट कर गया, अब वन में से कितना डिसोसिएट करा, अल्फा, ये बना अल्फा, ये बना अल्फा, आई की वैल्यू क्या आएगी? अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हारा आई है दैट इज मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली, इनिशियली मोल्स कितने थे हमारे पास, वन, और फाइनली कितने, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वन प्लस अल्फा, सो अल्फा इज गोइंग टू बी 1 + α/1। ये चीज समझ आई नहीं है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर हो गया?
लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. अब जैसे सी एस सी सी एच है, उसके अंदर यू कैन बी वेरी मच श्योर कि उसके अंदर एल्फा दे रखा हो, क्योंकि हमें पता है सी एस सी सी एच इज अ वीक एसिड, ये पूरा डिसोसिएट नहीं करने वाला, सो यू विल बी गिवन एल्फा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्फा या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होगा या परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा होगा, विच इज एल्फा इंटू 100. कोई डाउट यहाँ पर? मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो 2 आ गया, और अगर एल्फा दे रखा है तो 1 प्लस एल्फा. जैसे सी एस सी सी एच है, उसका आई क्या बनने वाला है पक्का? 1 प्लस 1 प्लस एल्फा. ये हमारा क्या है बच्चों? बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. एनएसीएल इज अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, दो में ब्रेक कर रहा है. लेट अस टेक अनदर केस, सी ए सी एल गिविंग सी ए 2 प्लस प्लस 2 Cl-. इनिशियली मोल 1 थे, अगर पूरा डिसोसिएट कर गया तो कितने बनेंगे बच्चों? आई क्या आने वाला है? 3/1 आएगा नहीं आएगा? और अगर मैं अल्फा करता हूं तो आई विल बी 1 प्लस 2 अल्फा/1. कोई डाउट यहां तक तो किसी बच्चे को? बोलो गाइस, एनी डाउट सो फार? इसका एक और एग्जांपल भी लेते हैं, K2PdCl6. ये कैसे ब्रेक करेगा बच्चों? अंडरस्टैंड करो, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज है वो ब्रेक नहीं करती. समथिंग यू विल लर्न अ लॉट लेटर. जब तुम कोऑर्डिनेशन बढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि ब्रैकेट वाला पार्ट ब्रेक नहीं करता. दिस इज व्हाट यू विल हैव. तो इसका जो आई है वो ऊपर जो हमने CaCl2 लिया है उसी पैटर्न पे चलेगा. कोई डाउट यहां तक बच्चों? H2SO4 है, वो भी सिमिलर पैटर्न पे चलेगा, जिस पे अभी हमारा CaCl2 चला. कोई डाउट गाइस? आइदर इट इज गोइंग टू बी 3/1 और इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 अल्फा/1. 1 प्लस 2 अल्फा में भी तुम समझ सकते हो कि अगर अल्फा 1 हो गया, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया, तो आई की वैल्यू 3 ही आनी है जो हमने ऊपर निकाला है. अब आते हैं एक और पे, टर्नरी की बात करते हैं. K3Fe CN6. ये क्या देगा बच्चों? 3K+ + Fe CN. यहां पे आई क्या आने वाला है बच्चों? ठीक है ना बच्चों? ऊपर हमने क्या देखे थे? पहले हमने देखा था यूरिया वगैरह विच आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमने बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट देखी जैसे NaCl, फिर हमने ये जो थे देवर टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है बच्चों? 3 आयन्स दे रहे, और ये वाला हो गया क्वार्टरनरी इलेक्ट्रोलाइट. गेटिंग द आइडिया? और अगर अदरवाइज हम करेंगे 1 माइनस अल्फा तो ये बनाएगा 3 अल्फा अल्फा. आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा/1. कोई डाउट यहां तक बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस. और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे K3PO4 ले लो. गेटिंग द आइडिया? एसोसिएशन का हमने केस देखा था, एसोसिएशन में डायमराइज कर रहा है. डायमराइज का मतलब क्या है बच्चों? 2A is giving A2. ओके गाइस, हमने इनिशियली 1 मोल लिए, फाइनली कितने बनेंगे A2 के? पूरा डायमराइज कर गया, 100% डायमराइजेशन, 100% एसोसिएशन हो गया. तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? 1/2/1. लेस देन 1 आ गई नहीं आ गई? हमने कहा था एसोसिएशन में आई इज लेस देन 1. ओके गाइस, अगर हम अल्फा की टर्म्स में करें तो क्या आएगा? मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियल. प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रेट. जल्दी में मत करना बच्चों, जल्दी में करोगे आंसर गलत निकालो. जरा बताना, टर्नरी में अल्फा की टर्म्स में क्या आएगा आई की वैल्यू? वेरी नाइस, इट विल बी 1 माइनस 2 अल्फा/3.
गुड, बाय बाय, ऑब्वियसली कोई डाउट किसी बच्चे को, दैट इज नाइस। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा तो ये क्वेश्चन बताना, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। अगर हम लेते हैं NaCl सर प्लस ऊपर स्क्रॉल, ग्लूकोज, NaCl प्लस ग्लूकोज ले रहे हैं, इसके हमने लिए 2 मोल, इसके हमने लिया 1 मोल, ओके। हमें पूछा गया है व्हाट इज द आई फॉर दिस मिक्सचर, सॉल्यूट का मिक्सचर मतलब दो सॉल्यूट है हमारे पास सॉल्यूशन, व्हाट इज द आई मोल्स फाइनली बाय मोल्स इन, बताना बच्चों कितना आएगा बेटा। और ऊपर करना है क्या बेटा, सर हो हो गया, इट इज गोइंग टू बी 5/3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, NaCl डिसोसिएट, इट इज मोल्स फाइनली बाय मोल्स इन, मोल्स इनिशियली कितने हैं 3, और मोल्स फाइनली कितने हो जाएंगे, ग्लूकोज का एज इट इज रहेगा, इसके मोल्स इतने हो गए, दिस इज एन फाइनल, दिस इज एन इनिशियल, तो हमारा आई क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 5/3। इसको एक और फॉर्मूला भी मैं बताता हूं तुम्हें, आई नेट, आई नेट ये क्या थे बच्चों, मोल्स इनिशियली थे या नहीं थे, N1 + N2 है ना बच्चों, मतलब आई नेट कैन बी रिटन एज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, N1 I1 + N2 I2 बाय N1 + N2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इसने बता दिया पहले वाला सॉल्यूट ने ब्रेक करके कितने आयन दिए, इसने बताया दूसरे सॉल्यूट ने कितने आयन दिए, टोटल आयन फाइनली, न्यूमरेटर इज टेलिंग अस द टोटल मोल्स फाइनली, एंड डिनोमिनेटर इज टेलिंग अस द मोल्स टेकन, क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये यही है 2 × 2 + 1 × 1 / 2 + 1, गॉट और नॉट गाइस, गॉट इट, ग्रेट। तो अगर मैं KCl लेता हूँ और MgCl2 लेता हूँ, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो आई की वैल्यू क्या आने वाली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, टेल मी, गॉट इट और नॉट गाइस, दिस इज आई नेट, दिस इज आई नेट बच्चों। अगर आई नेट का क्वेश्चन डायरेक्टली आई नेट का आ रहा है तब ये फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, पूछ ही लिया आई नेट क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर द मिक्सचर क्या है, ये फॉर्मूला लगाओ, एंड आई थिंक ये तुम कर भी सकते थे, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज मैंने करवाई है जो तुम्हें समझ आए ना आए, हाँ ना बच्चों, ग्रेट। अब आते हैं, अगर हमारा ए एन इज गिविंग एन, डिसोसिएशन का केस ले रहे, ए एन इज गिविंग एन ए, इसमें तुम्हारा आई इन टर्म्स ऑफ एल्फा क्या होगा, बताओ बच्चों, रियलाइज आई विल बी सिंपली 1 - α + N α / 1, यहां से हमारा आई इन टर्म्स ऑफ एल्फा आ गया, एल्फा यहां से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, जो भी आएगा एल्फा इन टर्म्स ऑफ आई आ जाएगा, कोई डाउट यहां से, ये जब एक मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटिंग टू गिव एन मॉलिक्यूल एन आयन, अब मैं करता हूं एन ए गिविंग ए एन एसोसिएशन, इसमें क्या होगा बच्चों, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, अपॉन 1, कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को, एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है गाइस, यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा इसका एक फॉर्मूला वैसे तुम कर ही सकते हो, लेकिन लेट मी मेक अ फॉर्मूला, आई कैन सिंपली बी रिटन एज 1 - α, ये वो है जो डिसोसिएट ही नहीं किया या एसोसिएट, प्लस एल्फा इंटू नंबर ऑफ आयन आफ्टर
नंबर ऑफ आयन आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। जैसे जैसे K3, K3 था हमारा, K2 था बच्चों, क्या लिया था हमने, K3 Fe3N3 लिया था, ये लिया था। तो इसमें हम आई को सीधा क्या कह देंगे, 1 माइनस अल्फा। ये क्या है बच्चों, जो हमारा डिसोसिएट ही नहीं हुआ। अब ये कितने आयंस देने चाहिए इसे, 4 प्लस 4 अल्फा, ये 1 प्लस 3 अल्फा ही तो आ रहा था हमारा। इफ यू रिमेम्बर, 1 माइनस अल्फा बता रहा है अनडिसोसिएटेड K3Fe3N थ्राइस, और 4 अल्फा बता रहा है आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। गॉट इट और नॉट? हाँ, जब तुम्हारा एसोसिएशन होता है तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे 3A गिविंग A3 है, तो इसमें हमारा आई क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अज्यूमिंग इनिशियल मोल इज 1। कितने आयंस आ रहे हैं बच्चों आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, 1 से, इट इज गोइंग टू बी 1/3। ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही है? यही आया था ना हमारा 1 माइनस 2 अल्फा ही तो आया था। गॉट इट और नॉट? राइट, मतलब अगर हमारा ट्राइमराइज कर रहा है, ये क्या है, ट्राइमर बना रहा है, 3 मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल, डाइमराइज कर रहा होता तो अल्फा इंटू 1/2 कर दिया होता। कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी नाइस, 1 माइनस 2 अल्फा ये आया। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में तुम ज्यादा रियलाइज करोगे कि हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं। डेल्टा टी वी इक्वल टू आई के वी एम, डेल्टा डी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, डेल्टा पी वाई पी नॉट इक्वल टू आई एक्स बी, या पाई इक्वल टू आई सी आर। मॉलिक्यूलर मास का जो हमारा आई है फॉर्मूला, के नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो हम बहुत रेयरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम भी यूज। दिक्कत उसमें है कोई नहीं, उसको भी यूज किया जाता है, बट इट इज डिफिकल्ट काइंड ऑफ सोचने के टर्म। अभी बताता हूँ, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, एक थ्योरी का पार्ट और बचा है, वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही सीखेंगे उस क्वेश्चन को। अभी आते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मुझे रिमाइंड कर देना गाइस, कि मुझे क्या रिमाइंड कर देना, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हाउ टू सॉल्व। इमिसिबल मतलब जो लिक्विड हमारे एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो रहे, जो दो सेपरेट लेयर बना के बैठ, उनके बारे में मुझे बता देना, जस्ट रिमाइंड मी कि मुझे ये करवाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमें दे रखा है K4Fe3N6, ये क्या है बच्चों, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइन, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइन, ये फेरो क्यों है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ, के का +4 CN के -6, तो आयरन क्या होना चाहिए, +2 फेरो, फेरस, फेरिक होता तो +3 होता। ओके बच्चों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे रखा है, इसकी मोलैरिटी M/10 है, 46% बंदा डिसोसिएटेड है, मतलब अल्फा दे रखा है कितना बच्चों, 0.46, दैट इज अल्फा। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाए, कितना होगा बच्चों, सीधा एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन गाइस। क्वेश्चन नोट कर लिया है तो बता दो ताकि मैं एक्सप्रेशन। हो जाए तो बता देना, मेरा तो हो गया। ये बना है, वेरी नाइस। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट, 0.5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl
एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। केएफ हमें दे रखा है एज 1.86। फाइंड आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल। बच्चों कैसे करोगे इसे? 0.5% में लोगे क्या इसे? कौन सी रेशो लगेगी? ग्राम बाय ग्राम, ग्राम बाय वॉल्यूम, या तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? जो क्वेश्चन दे रखा है यहां पे तुम्हें क्या चाहिए? यू नीड मोलैलिटी। डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एफ, और मोलैलिटी है तो तुम्हें दोनों का मास चाहिए होगा। इसका मतलब ये जो 0.5% है वेट बाय वेट होगा, जी बाय जी होगा। 0.5 ग्राम के सी एल इन वॉट बच्चों? इन वॉट? 100 ग्राम वाटर, नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि अगर ये 0.5 के बजाय 25 होता तो तुम 25/100 कर देते, जबकि इट शुड बी 25/75। मतलब 25 के मोल बाय मास ऑफ वाटर विल बी 75 इन दैट केस। डोंट मेक अ मिस्टेक गाइस। यू गॉट 0.5 ग्राम केसीएल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बच्चों एक्सप्रेशन लिखो। अच्छा वाटर दे रखा है तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे तुम डेल्टा डी एफ इजीली निकाल सकते। 0 डिग्री सेल्सियस वाज द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीज कर रहा है -0.24 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेल्टा डी एफ इज 0.24। I hope it is clear to you guys. हुआ या नहीं हुआ? हो गया बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। आई निकाल, यहां पे हमने क्या यूज किया? I is number of particles actual by number of particles taken, वो लगाया, right? अगर तुम्हें इसको मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में करना होता तो क्या करते? मैं बताना चाह रहा हूं कि why I don't prefer it, समझा दिया, लेकिन देन आई विल से कि इसके बजाय दिस फॉर्मूला इज बेटर, जो मैंने अभी बताया। तुम क्या करो, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व निकालो I को इग्नोर करके। तुम मान के जो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है वो सही निकाला है, तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? You will not use delta DF equal to I KFM. You will use KFM. तुम दो observed molecular mass निकालना चाह रहे हो, जो molecular mass तुम्हारा आना आ रहा है यहां से, तो ये कितना आएगा? 0. It is going to be 0.24. KF कितना था guys? 1.86 into 0.5 by x by 99.5 into 1000। ऊपर हमें मॉलिक मास पता था, दिस इज अ मॉलिक मास जो एक्चुअल मॉलिक मास है। गेटिंग द आइडिया बच्चों? दिस इज द एक्चुअल मॉलिक मास जो केसीएल का होता है। यहां पे हम मॉलिक मास निकाल दें, दिस इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर और नॉट गाइस? यहां पे हमने डेल्टा डी एफ इक्वल टू आई के एफ एम नहीं लिखा, यहां पे हमने डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम लिया। यहां से मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, ये जो एक्स आया दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। अब हम क्या करेंगे? आई विल बी मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल बाय ऑब्जर्व, ये आई आई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? और फिर इसको लिख दोगे 1 - α + 2α, जो लिखा था यहां से अल्फा। तो डू यू रियलाइज, जब हमें मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में करना होता है तो हम आई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है इन दैट केस। और फिर मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल जो होना चाहिए बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड विल गिव अस द वैल्यू ऑफ आई। कोई डाउट यहाँ? थोड़ा तरीका खराब लगा है, वो आई वाला वाज इजियर टू अंडरस्टैंड।
ये फॉर्मूला जो तुम्हारा है मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ये तभी लगाओ जब तुम्हें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। क्यों कहें हमने इथेनोइक एसिड बेंजीन में लिया और उसका मॉलिक्यूलर मास आया 120, और उन्हें दे दिया ना ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, तब तुम इसको यूज करो टू कैलकुलेट आई। इफ दे हैव गिवन यू द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इन क्वेश्चन, ओनली देन यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? नहीं तो आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं कहूंगा आई को दूसरे तरीके से ही निकालो। क्लियर हो गई ये चीज? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तब यूज करना है जब तुम्हारा, कब यूज करोगे बच्चों? ये तब यूज करना है जब तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व क्वेश्चन में पकड़ा रहा, ताकि उससे तुम आई डायरेक्टली निकाल। गॉट इट? अदरवाइज डोंट यूज दिस फॉर्मूला। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पता है, C6H5COH, C6H5COH इन 25 ग्राम बेंजीन। बेंजीन ने तुम्हें समझ जाना चाहिए डायमराइज करा है, फैक्टोरी मेंबर के तौर पे जा रहा है। काइंड ऑफ एसिड इन बेंजीन दे डायमराइज अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड कि ये ट्राइमराइज कर रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। नॉर्मली विल टेक डायमराइज, मतलब 2A गिविंग A2 टाइप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इसमें डेल्टा टी एफ दे रखा है एज 1.62 केल्विन, के एफ दे रखा है एज 4.9 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड परसेंटेज एसोसिएशन, फाइंड परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड अज्यूमिंग इट फॉर्म्स डायमर, अज्यूमिंग डाइमराइजेशन, अज्यूमिंग डाइमराइजेशन। आई के एफ एम, ये बी मतलब सॉल्यूट, एम बी का मतलब है मॉल के मास ऑफ सॉल्यूट बेंजोइक एसिड। समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 समझ आ गया ना? 1 माइनस अल्फा इज अन असोसिएटेड बेंजोइक एसिड एंड अल्फा बाई 2 इज द बेंजोइक एसिड आफ्टर असोसिएशन। केल्विन कीजिए बेटा। हाँ अच्छा एक चीज और गाइस, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में करना चाहते, थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में करते तो हम इसको हटा देते, बता रहा हूं, इसको एक्स कर देते, ठीक है बच्चों? डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम में यहाँ पे एक्स आ जाता, ये हट जाता, यहां से एक्स निकालते, और फिर हम क्या करते, एम बी बाई एक्स वुड बी योर आई बच। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन, यह इसमें सही बताऊं, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी टफ है इस टॉपिक के, कि अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये शायद एनसीईआरटी का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0.6 ml एसिडिक एसिड डेंसिटी इज 1.06 ग्राम पर ml इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.0205।
डिग्री सेल्सियस। फाइंड या कैलकुलेट आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता होगा। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इज के। के का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, अगर सिर्फ एसिड दे रखा है तो उसका के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं। एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स याद होगा। हाँ एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को हम एक्स स्क्वायर बाय सी कर देते थे। और शांति शांति, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हो गया के ए, क्योंकि एसिड की बात करें। ठीक है ना बच्चों, तो लेट द एसिड बी दिस। हम नॉर्मली करते थे ये, करते थे नहीं करते थे बच्चों, दूसरा तरीका था ये। हाँ हाँ बेटा, हाँ क्यों नहीं बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई। ये सी अल्फा का होल स्क्वायर बाय सी माइनस सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब तुम्हें क्वेश्चन में थोड़ी बहुत फील आ जानी चाहिए हम कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा गाइस एक चीज और, मैं एक चीज मिस कर गया बताना, के एफ भी दे रखा है हमें वाटर का एज 1.86। सही कह ठीक है बच्चों, आइडियाज आई से अल्फा निकल आएगा। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही बच्चों, देखो डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम है, आई के एफ एम है ना बच्चों। आई तुम निकाल लोगे, आई से अल्फा आ जाएगा यार। सी यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, मोलैरिटी। और डेल्टा डी एफ इक्वल टू आई के एफ एम से जो मोलैरिटी आएगी, यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मोलैरिटी के हिसाब से दे रखी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, तो विल अज्यूम मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, करना शुरू कर दे। आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन, आई विल डू इट, यू जस्ट हियर मी आउट। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, शांति, ये जो डेंसिटी है किसकी है, ये जो डेंसिटी दे रखी है ये सी एस सी सी एच की है, वो जो प्योर सी एस सी सी एच जिसको हमने पानी में डाला, ये प्योर सी एस सी सी एच की डेंसिटी है। आर रिगार्डिंग दिस ऑन ऑफ, पानी में डालने के बाद डालने से पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, सुन दे आओ। 0.6 ml एसिडिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ आया नहीं आया, मतलब दिस इज डेंसिटी ऑफ प्योर सी एस सी सी एच। मास निकालना है, नहीं निकालना है सी एस सी सी एच का, मोल्स निकालने हैं। कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी एफ इक्वल टू आई के एफ एम आए ना बच्चों। अच्छा इस वाटर से डिसोसिएट करेगा, ये जो हमें एसिडिक एसिड दे रखा है ये डिसोसिएट करेगा। ओके बच्चों, अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज डाल रहा हूँ, 0.0205 विल बी इक्वल टू आई, आई क्या बनेगा बच्चों हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। हमें पता है सी एस सी सी एच विल डिसोसिएट टू गिव सी एस सी सी ओ माइनस एन एच प्लस, दो आयन देता है, इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट देगा बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हम कहेंगे 1 लीटर वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर को अज्यूम करो 1, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया बच्चों 1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी 1 लीटर का मतलब हो गया डेंसिटी 1, क्या मास इज 1 केजी। आ गया नहीं आ गया बच्चों, और ये क्या है गाइस, ये तुम्हारा मोलैलिटी है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों, डेल्टा डी एफ इजिकल टू आई के एफ एम। ओके अब यहां से अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, और हम कहेंगे के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सी इज द कंसेंट्रेशन, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है ना बच्चों, यहां पे जो गाइस आवाज नहीं आ रही,
ये जो सी है दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मोलैरिटी, हम कहेंगे जो मोलैरिटी है उसको लगभग मोलैरिटी के बराबर कर। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अच्छा गाइस अल्फा मैं जरा बता दूं तुम्हारा कितना है, ये आई था, ये आई था बच्चों, ये तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से अल्फा हमारा आता है कितना, अल्फा की वैल्यू मैं बता दूं, इट कम्स आउट 0.041। गाइज अल्फा बाय 1 × 100 दैट इज द अप्रोक्सीमेशन दैट वी डू, इफ यू रिमेंबर इट शुड बी लेस देन 5%। 4.1% आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेस देन 5। इसका मतलब ये जो सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 − अल्फा इट कैन बी रिटन एज सी अल्फा स्क्वायर, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट आंसर तो बेटर यही है कि 1 − अल्फा कर दो, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो सी अल्फा स्क्वायर के बराबर करा जा सकता है। के हाँ बेटा के छोटा हाँ, क्या मेरी समझ नहीं आया मेरी समझ नहीं आया क्या कह रहे। ओके गाइस क्लियर है यहाँ तक? ये जो मैंने किया ये समझ में आया नहीं आया गाइस? आ गया? ओके दैट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, मेरा ध्यान है ना अभी कहीं और है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? मेरे ख्याल से समझ आ गया है मोर और लेस, आए ना बच्चों को? ओके डेल्टा डी एफ इज गिवन एज 7.1। बच्चों आवाज नहीं यार, ये 7 है, 9 9 माइनस 3 कर ले। मोलैलिटी ऑफ के एक्स एफ ई सी एन 6 इज 0.01 मोलर। ओके के एफ हमें दे रखा है एज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना गाइस? एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ गाइस। अब इन्होंने ये नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर कि तुम्हारा पूरा डिसोसिएट कर रहा है या पार्शियल कर रहा है। पूरा मान ली, पूरा मान लेंगे हम, मान के पूरा डिसोसिएट कर रहा है। गाइस करो, वैसे ही आना चाहिए था, वैसे ही आना चाहिए आई, ठीक है ना बच्चों? ये मान के पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने बन रहे होंगे गाइस, फटाफट बताओ। 1 से कितने आए? 1 + x, वेरी नाइस। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। अच्छा गाइस सपोजिंग यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती तुम्हारी 2.8, तो क्या करते? जे में आ जाती वैल्यू एक्स की 2.8, तो क्या करते? हमसे 3 मान ली, ठीक है ना? राउंड ऑफ कर रहे होते हैं और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लगता, ठीक है ना बच्चों? कहीं तुम 2.8 को तो कर दो 2, ठीक है ना गाइस? वो तुम्हारा 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा है उसके बेसिस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें दे रखा है और इट इज नॉट उसका आई का झंझट नहीं, हमें सॉल्यूट के बारे में कुछ बताया नहीं, जब बताया नहीं तो अज्यूम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है एज 0.8 डिग्री सेल्सियस। पी नॉट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है 23.51 mm। के एफ दे रखा है एज 1.86। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। गैस डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम, मोलेलिटी आ जाएगी। अब मोलेलिटी से हमें निकालनी पड़ेगी मोल फ्रैक्शन,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए। कहते मैं तुम्हें यहाँ पे दो तीन चीजें बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से मत करो, मेरी सुनो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ बेटा बिल्कुल, जस्ट वन सेक, हियर वी आर। मोलैलिटी आ गई, नहीं आ गई बच्चों, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे बेटा, कर लिया नोट वो? अब हम यस सर। कहेंगे दो तरीके से कर सकते हो, रहता तीन तरीके कर सकते हो। पी ए इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है ना बच्चों? हमें पी ए निकालना है, तुम्हें बताया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी पी ए ओनली, कि सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। मैंने बताया था, लिखा नहीं मैंने गलती से, बट द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, पहले लिखा फिर हटा दिया। क्यों हटा दिया अब याद नहीं आ रहा। आइडिया इज सॉल्यूट वॉज नॉन वॉलेटाइल। अब बच्चों ध्यान दो, पी ए विल बी पी नॉट ए इंटू एक्स ए। गाइस मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एक और चीज मेरे को ये भी बताना चाहिए था, यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट वाटर, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली वी हैव गॉट एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, गॉट इट और नॉट? तो क्या मैं ये अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत? ये सीधा आंसर देगा एक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है? डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, पी नॉट ए बताया ना बच्चों कितना है, 23.51, विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट विल बी एम बाय एम प्लस 1000/8। यहां से डेल्टा पी निकाल लिया और फिर हम कहेंगे प्रेशर ऑफ ए विल बी, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रेदर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस डेल्टा। हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लिया पहले पार्ट से, ऊपर इधर से हमने क्या निकाल लिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर जो ओरिजिनल प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का उसमें से हमने लोअर जो हुआ वो सबट्रैक्ट कर दिया, विल गेट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जस्ट टेल मी समझ में आया या नहीं आया? आ गया, गॉट इट। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा वो है जो तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन है, ज्यादा डाइल्यूट में चल जाएगा। तुम क्या करो, यहां पे डेल्टा पी बाई पी नॉट ए है ना, इसको सिंपली कर दो एम बाय 1000/80। हमने इसको क्या कर दिया, एन बी बाय एन ए कर दिया, बेसिकली एन बी बाय एन ए प्लस एन बी के बजाय। यहाँ पे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, हमने अप्रोक्सीमेशन मारी है, हमने मोल ऑफ सॉल्वेंट वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल ऑफ सॉल्यूट किया है। कमाल की चीज, जानते हो क्या है, क्या है जेई में ये क्वेश्चन आएगा तो यू माइट बी स्टक कि ये यूज करें या ये यूज करें, और अगर दोनों में से आंसर अलग अलग आ रहे दोनों से, देखो जो एरर आएगा वो थोड़ा सा ही आएगा। सपोजिंग एक आया 23.1, एक आया 23.3, तुम बच गए क्योंकि तुम आंसर 23 करने वाले हो। हाँ, और अगर एक आ गया 23.4 और एक आ गया 23.6, यू आर स्टक, तुम मर गए। उनमें से एक आंसर करेक्ट होगा, एक गलत होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यू माइट बी स्टक कि डायल्यूट हमें नहीं बताओ, डायल्यूट मान के चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन डायल्यूट वाले। तभी तो मैंने कहा यू आर स्टक, ठीक है ना गाइस? वो हो ही नहीं सकते तुम। अभी तो दिखाऊंगा, व्हेन वी डिस्कस द जे क्वेश्चन यू विल सी दैट थिंग, द सेम थिंग हैपन, दो आंसर है, यू आर स्टक, सॉल्यूशन है ही नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइस? एक में 2.5 आ रहा था, एक में 5 आ रहा था। हाँ अब बच्चों प्लीज गाइज, ये चीज समझ आई नहीं आई, इसमें इसमें अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन, अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन बिकॉज यू हैव गॉट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेशन बिकॉज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो लेकिन सर क्वेश्चन डायरेक्ट मेंशन होगा।
देखेंगे बच्चों देखेंगे, अभी गाइस आए नेक्स्ट पे आते हैं। करो गाइस इस क्वेश्चन को। आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हमारा सेम कंसंट्रेशन, या फिर हमारे सेम मोल्स। अगर हमारा मास ऑफ मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम आ जाए। इसको क्या मानोगे, 1.17 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। तो यू विल नॉट बी टेकिंग पर ग्राम, यू विल बी टेकिंग पर ml, हाँ पर वॉल्यूम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? तो यू हैव 1.17 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन एंड 7.2 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज है बेटा, टेम्परेचर सेम मानना, टेम्परेचर सेम मानेंगे। ये हमने मोल्स इक्वेट कर दिए, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए था, वॉल्यूम इन लीटर दोनों तरफ। हाँ है ना बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सो नाइस। गाइस Hg2Cl2 का आई निकाल, अल्फा इज इट इज गिवन दैट इट इज 80% आयनाइज। बच्चे तुम्हें तुम्हें ये पता होना चाहिए ब्रेक कैसे कर रहा है। क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए है कि सो दैट यू अंडरस्टैंड ये ब्रेक कैसे करता है। ये देता है Hg2 2+ +2Cl-। हाँ बच्चे वहां पे दिया हुआ है एक्शन कहाँ पे दिया होगा? सर नहीं दी होगी तभी तो करवा रहा हूं। जी कैसी बात करते हैं, और अल्फा में दे रखा है 0.8। हाँ जी टू कैसे सोचे सोचेंगे नहीं, अभी तो मैंने बताया है, अब सोच लोगे ना। नहीं आएगा, यही आएगा, टेंशन ना ले। ए टेट्रामराइजेस मतलब 4A गिविंग A4 टू एक्सटेंट ऑफ 80%। यहाँ पे एम क्या है बच्चों? ये एम क्या है जरा बताना मुझे गाइस, ये एम क्या है बच्चों प्लीज आवाज में, ये एम क्या है, ये एम क्या है? अच्छा ये मोलैलिटी है। वेरी नाइस, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। करो गाइस प्लीज सॉल्व इट। बच्चों प्लीज करो, बच्चों प्लीज आवाज नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान। हाँ शर्म करो बच्चों, गायन फटाफट हुआ या नहीं हुआ? वो मेरा तो हो गया, तुम्हारा गायन हो रहा।
हाँ बेटा क्यों नहीं हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे फोर ए गिविंग ए फोर है, फोर ए गिविंग ए फोर। ठीक है हो जाएगा। अच्छा हाँ बेटा ये लोग आए। ये टफ क्वेश्चन। गाइस इंफॉर्मेशन थोड़ी कम सी लग रही होगी लेकिन एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो शायद तुम रियलाइज नहीं करो। टेम्परेचर क्या दे रखा है? वाटर मस्ट बी द सॉल्वेंट। जो टेम्परेचर दे रखा है उस पे पी नॉट ए क्या होगा? पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? जो टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो इस पे इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? 180 बॉयल करता है। 373 केल्विन पे बॉयल, बॉयल का मतलब उस वक्त इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 760 mm। वन सॉल्वेंट का पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी 1 एटमोसफियर या 760 mm एट 373 केल्विन। सो बेसिकली यू आर ऑल्सो गिवन पी नॉट ए। हाँ है ना बच्चों? गुड। तो पी नॉट ए क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? 760 mm। पी ए दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है। सोल्यूबिलिटी और के एस पी ऑफ एम जी एस पूछा गया है। पहली चीज गाइस दर्दनाक क्वेश्चन है ये, दर्दनाक इन द सेंस समझने के हिसाब से इट्स रियल टफ। देखो गाइस एम जी ओ एच ट्वाइस है, सुनते आना बच्चों। इट विल गिव Mg2+। हाँ मैं मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा लेकिन आई एम अज्यूमिंग वाटर सॉल्वेंट। हाँ मान के चलेंगे, बिल्कुल मान के चले। वॉट इज द सॉल्वेंट गाइज? ये है गाइज, ये जो प्रेशर में डिक्रीज आया वो किसकी वजह से आया? MgOH choice. MgOH choice is sparingly soluble salt. पहले ये सॉलिड है बच्चों, ये जो मैंने लिया ये सॉलिड है और ये आय। ओके S-X, ये S तुम्हें पता होगा, S हमारा कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। S का मतलब हो गया जस्ट अ सम मास ऑफ MgOH choice जो कि जमीन पे बीकर में नीचे पड़ा हुआ है, उसमें से डिजोल्व कितना हुआ? X बच्चों। यहां से क्या बना? जितना डिजोल्व हुआ MgOH twice, इट ब्रोक डाउन कंप्लीटली टू गिव Mg2+ एंड OH-। क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई गाइस? तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बस ये दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा पी बाय पी नॉट ए शुड बी इक्वल टू एक्स बी आई एक्स बी। हाँ है ना बच्चों? गुड। डेल्टा पी कितना है? ये 759.1 था, तो डेल्टा पी विल बी 760 माइनस 759.1, 0.9, 0.9 बाय 760 विल बी इक्वल टू आई। गाइस कितने आयंस दे रहा है ये? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज गिविंग 3x। मतलब यहां पे एक और चीज अंडरस्टैंड करनी, अगर तुम आई एक्स बी ले रहे हो तो बेटा मैं ऐसे बता दूं, पहली चीज इट इज आई एन बी बाय Na+Nb होना चाहिए। हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे आई एन बी बाय एन। ओके गॉट इट? क्लियर है? वैसे वो हमें मोल, हमें कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो आई एक्स बी ही रहने दो इसे। मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज, IXB is actually giving you the real moles of solute. मतलब IXB में you are
आई इज हेल्पिंग अस फाइंड आउट द एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आई हम मल्टीप्लाई करें ताकि एक्चुअल मोल्स आ सके। क्लियर है गाइस? गुड। तो यहाँ पे एक्स बी जो अगर है, मतलब यहाँ पे आई विल बी 3 एंड एक्स बी विल बी, यहाँ से एक्स बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? ये जो एक्स बी है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एम जी ओ एच ट्वाइस इन सोल्यूशन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? ये मोल फ्रैक्शन एम जी ओ एच ट्वाइस का निकाल रहा है इन सोल्यूशन, क्योंकि बेटा ऐसे समझो, तुम कहोगे सर यहां पे ये तो दिख रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर बेटर फील आएगी। जस्ट वन सेक, एम जी ओ एच ट्वाइस सॉलिड, ये बंदा हुआ डिजॉल्व, बहुत कम डिजॉल्व हुआ, ओके एक्वस, लेकिन जो डिजॉल्व हुआ वो कंप्लीटली ब्रेक कर गया टू गिव आयन। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, जितना डिसॉल्व हुआ इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट। हमारा इससे कंसर्न ही नहीं है, सही पूछा जाए। हम कह रहे हैं हमारा कंसर्न इससे जो अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर है। क्लियर है गाइस? हम कहेंगे यहां पे अगर वन मानो इनिशियल, तो फाइनल मोल्स कितने बनेंगे? आई विल बी 3/1। अब तुम कहोगे सर एक्स की टर्म्स में बताओ, हमने तो एस माइनस एक्स लिया था ना, एक्स डिजोल्व हो रहा है। सपोजिंग एक्स की टर्म, सपोजिंग तुम कहते हो यहां से एस माइनस एक्स डिजोल्व है, इसने एक्स दिया, हमारा कंसर्न इससे है, एम जी ओ एच वाई सॉलिड से कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि ये तो जमीन पे पड़ा है, नीचे पड़ा है। वी आर कंसर्न विद एक्स, हम मान के चल रहे हैं ये पूरा ब्रेक कर रहा है, वी आर अज्यूमिंग इट इज कंप्लीटली ब्रेकिंग डाउन। ये तो मैंने बताया था कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है, ये एक्स बनेगा, ये टू एक्स बनेगा। मोल्स फाइनली इन सॉल्यूशन बाय मोल्स इनिशियली इन सॉल्यूशन, आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? कोई डाउट यहां तक? इट विल बी 3x/x। अब क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? एम जी ओ एच वाइज हम वो देख रहे हैं, वो एम जी ओ एच वाइज जो कि डिजोल्व कर चुका है सॉल्यूशन, उस एम जी ओ एच वाइज के लिए जो डिजोल्व कर गया है वो तुम्हारा कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और आई की वैल्यू 3 आ गई। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आएगी तुम्हारी यहां से 3xb से जो मोल फ्रैक्शन आएगी, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH2। ये चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊपर वाले फॉर्मूले में डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू आई एक्स बी, वहां से जो एक्स बी आ रहा है दैट इज गिविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH2। गॉट इट और नॉट? नॉट एम जी टू प्लस या ओ एच माइनस, MgOH2 की मोल फ्रैक्शन आ रहा है, सॉल्यूट इज MgOH2 जो कि आयन में ब्रेक कर रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH2 आ गई। मोल फ्रैक्शन से हम निकालेंगे, देखो गाइस अब तुम्हारे को पहले मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स बी आ गया, के एस पी क्या आता है बच्चे? रियलाइज के एस पी विल बी एक्स इंटू 2x का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, एक्स इज टू पावर 1 एंड 2x इज टू पावर 4x³ शुड बी के एस। क्लियर है बच्चों? और ये एक्स क्या होता था गाइस? सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH2, कितना डिसॉल्व हुआ, मतलब ये जो एक्स है कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी में। क्यों रिमेंबर? ये चीज समझ आई नहीं आई? एक्स इज बेसिकली योर कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, मतलब यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH2 है उससे हम मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी कर देंगे और वहां से हमारा आंसर आए। गॉट इट और नॉट? तो एक्स भी ये है तो हमारा बच्चों वो क्या आएगा? मोलैरिटी, molality will be xb जो भी है over 1 minus xb। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा xb, मतलब तुम्हें याद होगा molality से हम, sorry mole fraction से molality पे कैसे आते हैं, xb by 1 second 1 minus xb into 18, this is the mass of solvent in kg। ये molality आ गई। ये मोलैलिटी किसकी आ रही है बच्चों? MgOH2 और मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ MgOH2, दिस इज बेसिकली योर एक्स इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ MgOH2 इन सॉल्यूशन, ये एक्स आ गया और 4x³ विल गिव अस द आंसर। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
दिस इज योर एक्स एंड 4x³ इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं। हाँ बेटा बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ना, आई एग्री। वन सेकेंड गाइस, पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ कि इट इज अ टफ क्वेश्चन, सुनो इसे, सुनते आओ। हमें दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, कि वेपर प्रेशर जो दे रखा है दैट इज पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। और पी नॉट ए भी हमें दे रखा है एक तरीके की, 373 केल्विन पे वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसका पी नॉट ए कितना होगा बच्चों, 180 atm, हाँ ना, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 373 केल्विन पे स्टार्ट बॉइलिंग, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 180 atm या 760 mm, क्लियर है गाइस। अब हमारा था डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या लगाएंगे बच्चों हम, आई एक्स पी। ये मोल फ्रैक्शन किसकी है, ये मोल फ्रैक्शन हमारी MgOH ट्वाइस की है, वो MgOH ट्वाइस विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, क्लियर और नॉट गाइस। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये MgOH ट्वाइस इसकी नहीं है, ये तो सॉलिड था, सॉलिड में से थोड़ा पार्ट डिजोल्व हुआ, वो जो डिजोल्व हुआ यहाँ से आई एक्स बी जब कर रहे हैं तो हमारा एक्स बी इज टेलिंग अस द MgOH ट्वाइस विच वॉज डिजोल्व इन सोल्यूशन, क्लियर है गाइस। और आई हमारे को हेल्प कर रहा है इन फाइंडिंग आउट द टोटल आयंस फॉर्मड बाय MgOH ट्वाइस विच वॉज डिजोल्व, गेटिंग द आइडिया नॉट, ये आई हमें हेल्प कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फाइंड आउट करने में व्हेन MgOH ट्वाइस डिजोल्व। मतलब यहाँ पे जो एक्स बी है, ये जो हमने आई एक्स बी लगाया है यहाँ पे, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गाइस, दिस इज समझ आ रहे नहीं, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH ट्वाइस विच वॉज डिजोल्व, और आई हमें क्लियरली दिख रहा है MgOH ट्वाइस एक Mg2+ देगा, दो OH माइनस देगा, तो आई इज बेसिकली 3 बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को, क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ MgOH ट्वाइस एक्वस, मोल फ्रैक्शन से लेट अस फाइंड आउट मोलैरिटी या मोलैलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस एक्वस, मोलैलिटी हमने इससे निकाली, इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल का मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर है गाइस। ये हमें दे रहा है क्या बच्चों, मोलैलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस विच डिजोल्व, गॉट इट गाइस, ये मोलैलिटी इसकी दे रहा है, किसकी दे रहा है बच्चों, इसकी, पहले हमारे पास मोल फ्रैक्शन थी इसकी, अब हमने मोलैलिटी निकाल ली, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी वी नो दैट, आए ना बच्चों, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा होगा यही मोलैरिटी आ गई। अब ये हमारा बेसिकली दिस इज अ मोलैरिटी, मतलब एक्स ये एम है मोलैरिटी, हमने मोलैलिटी निकाली उसको हमने मोलैरिटी के बराबर कर दिया, अब हमें पता है जो भी पार्ट डिजोल्व हुआ, जो भी पार्ट यहाँ पे डिजोल्व हुआ इट इज कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ आयन, तो यहाँ से हमारा एक्स इंटू एक्स एस पावर 1 इंटू 2x² KSP आ जाए, क्लियर और नॉट गाइस। मतलब ये जो एक्स है दिस इज टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ MgOH ट्वाइस विच डिजोल्व इन सॉल्यूशन, गॉट इट और नॉट, मतलब ये एक्स हमारा ये है अमाउंट ऑफ MgOH ट्वाइस विच डिजोल्व एंड दैट वॉट एवर डिजोल्व ब्रोक कंप्लीटली इन टू आयंस टू गिव दिस बच, किसी बच्चे को डाउट यहाँ, इट इज अ टफ क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन जेई मेन में आ गया तो आई एम प्रीटी मच श्योर बच्चा छोड़ के आएगा डिस्पाइट माई टेलिंग यू गाइस कि कैसे करना, ठीक है ना बच्चों। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे को सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तुम कहोगे सोल्यूशन तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं हमेशा करके आऊंगा, ये क्वेश्चन आ गया था आई एम अज्यूमिंग तुम छोड़ के आओ, चेक करके आ जाओ, अच्छी बात है, वेरी नाइस, सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइडिया है कि मैं ये मान के चल रहा होता हूँ कि बच्चे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो द होल पॉइंट बीइंग यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, ये मत करना कि सर हमने कुछ चैप्टर ऐसे कर लिए तो हम हमेशा करके आते हैं तो अब करके आएंगे, नहीं, हर एक चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो तुमसे ना हो। हाँ बोलो। अरे अभिन अभिन एक क्वेश्चन बच्चों, अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इक्विमोलल एक्वा सॉल्यूशन दे रखे किसके, पहला इक्विमोलल में मोलैलिटी भी दे रखी है वैसे, जरूरत नहीं है अगर इक्विमोलल लिखा है, 1 मोलल यूरिया
वन मोलल KCl, वन मोलल MgCl2 एंड वन मोलल Na3PO4। मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो? बॉइलिंग पॉइंट इज KBm, राइट? और क्योंकि हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन भी हो रहा होगा इनका, तो इट विल बी IKB। तो वे अब मोलैलिटी सेम है, के भी सॉल्वेंट का सेम है, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो डी का सबसे ज्यादा होगा। द ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट विल बी ए लेस देन, बी लेस देन, सी लेस देन डी। डी में आई इज 4, सी में आई इज 3, बी में आई इज 2, यूरिया में आई इज 1। फ्रीजिंग पॉइंट में बताना बच्चों जरा, सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर? ऑपोजिट, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो डी का सबसे ज्यादा होता, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो डी का सबसे कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भाई जिसका आई एम करते हैं, आई इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी और मोलैरिटी लगभग सेम मान लो, तो हम क्या कहेंगे जिसका आई ज्यादा, मोलैरिटी सेम है सबकी, तो जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब मैं आता हूँ वेपर प्रेशर पे, क्या है? नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में आ रहा होता है डिप्रेशन बच्चे, क्लियर और नॉट गाइस? तो क्या होगा, पहली चीज तुम कहोगे सर ये तो मोलैलिटी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना दे रखा है बच्चे, हाँ ना? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, राइट, इंटू आई। तो हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी सिंपली आई एन बी बाय एन, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। हम कहेंगे वन मोल का मतलब क्या है, वन मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, तो यार एन ऑफ ए तो सबका सेम हो गया, और मोल्स किसके ज्यादा होंगे बेसिक, उसी का तुम्हारा लोवरिंग ज्यादा होगी, ठीक क्योंकि मैं इन सबको लिख सकता हूँ वन मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हर एक में 1 kg है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हर एक में सेम है 1, तो आई जिसका ज्यादा होगा उसका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर उसका कम होगा। गॉट इट और नॉट गाइस? एन ए विल सिंपली बी 1000/18 अगर सॉल्वेंट है, गेटिंग द आइडिया? एन बी हर एक का 1 होगा क्योंकि मैंने हर एक का 1 मोलल उठा रखा है, हाँ ना बच्चों? तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है ना, ए बी सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर Na3PO4 में सबसे ज्यादा, लोअरिंग सबसे ज्यादा उसमें, तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा तुम्हारा। समझ आया नहीं आया बच्चे? एक और क्वेश्चन लेते, हमारे को पाई फाइंड आउट करना है, हमें दे रखा है 0.02 मोल NaCl और 0.03, सॉरी हाँ 0.03 मोल ग्लूकोज है इन 500 ml सॉल्यूशन, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आप देखो, तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक है बहुत घटिया तरीका, एक है आसान। यार मैं पाई इक्वल टू CRD होता है या ICRD होता है, हाँ है ना? यार आईसी में हम कर क्या रहे होते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल मोल्स इंस्टेड ऑफ द मोल्स गिवन टू अस, हाँ है ना? तो तुम एक्चुअल मोल्स वैसे ही निकाल लो, आई को यूज ही मत करो एक तरीके से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं फिर से बताता हूँ, इसका एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता, ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं 0.02 × 2 प्लस 0.03 × 1, दीज आर द एक्चुअल मोल। आईसीआरडी क्या काम करने का आता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन निकालने का आता है या एक्चुअल मोल्स निकालने का आता है, हमने एक्चुअल मोल्स निकाल लिए। अब यहाँ पे आई की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब आई की कोई जरूरत नहीं, समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? दिस इज एक्चुअली आईसी, आई एम रेदर मोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम,
इन लीडर, ये आ गया सी, ये आ गया आर, ये आ गया टी बच्चा, आंसर ये देगा एटमॉस्फियर। आर यू गेटिंग दिस आर नॉट गाइस? ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर का, ये एक्चुअल मोल्स दे रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये बेसिकली अगर हम इसको आई देखें तो दिस इज आई नेट इनटू सी नेट। ओके गाइस, मतलब ये तुम्हें याद आ रहा होगा, अगर हम आई इसका नेट निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 0.02 इंटू टू प्लस 0.03 इंटू वन। अगर आई नेट कोई पूछता है इसके लिए, इट विल बी 0.05। ये समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? ये मैंने क्या किया है, आई वन एन वन प्लस आई टू एन टू बाय एन वन प्लस एन। गेटिंग द आइडिया नाउ? क्लियर है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा इसमें जब दो डिफरेंट हैं तो आई सी आर डी मत यूज करो, आई सी आर डी मत यूज करो। दो डिफरेंट सॉल्यूट दे रखे हैं। आई सी का मतलब क्या है? नेट मोलैरिटी। नेट मोलैरिटी सिंपली नेट मोल जो कि मेरा न्यूमिनेटर में है बाय वॉल्यूम इन लीटर। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे? जब दो डिफरेंट सॉल्यूट दे रखे हैं तो आई सी में सिंपली समझो नेट, ये मोलैरिटी लिखा था, मोलैरिटी लिखा था, मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी। क्लियर और नॉट बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई सी इज गिविंग अस द नेट मोलैरिटी और उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नेट मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर और नॉट? हाँ बोलो, आंसर क्या आ रहा है इसका? तुमने निकाल लिया बच्चों? तो पूछ क्यों रहे हो फिर? अच्छा निकाल लिया, इट इज कमिंग आउट 3.44 गड़बड़ एटमोस्फियर। कहीं गड़बड़ कर दी? अच्छा बच्चों प्लीज, समझ आया नहीं आया? मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी में जो होता है, ये आई सी इज सी इफेक्टिव, इसको हम सी इफेक्टिव भी बोल सकते हैं या सी एक्चुअल भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो हमारा है दिस इज सी एक्चुअल या इफेक्टिव आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टी। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे? आई सी इज नथिंग बट सी इफेक्टिव या सी एक्चुअल। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक क्लियर हुआ है? नहीं हुआ गाइस? जैसे हमारा, मैं एक और काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एम जी सी एल टू लिया और एन ए सी एल लिया, ये ले रखा है हमने 1 मोल, ये ले रखा है हमने 2 मोल इन 1 kg सॉल्यूशन। के बी भी दे रखा है, के बी इज गिवन टू अस, फाइंड डेल्टा टी बी। हाँ बेटा 3.44 राइट। बच्चों अब इसको बताओ ये कैसे करोगे? क्वेश्चन टफ है, एक्सप्रेशन में तुमसे चार आ, बताओ करके देखो। यहां पे आई के बी एम होता है, आई और एम क्या बता रहा है? एक्चुअल मोलैलिटी आफ्टर डिसोसिएशन। हाँ बेटा के बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब के बी को के बी लिख देना। आइडिया के बी इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, के बी इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा टी। आइडिया इज फिर से बता रहा हूं, आई के बी एम का मतलब है के बी इंटू आई एम, और आई एम इज गिविंग यू द एक्चुअल मोलैलिटी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टी। अब बताओ बच्चों क्या होगा? प्रॉब्लम जिन बच्चों ने ध्यान से क्वेश्चन को करा है उनको समझ जा मैं आ गया होगा, डिनोमिनेटर विल प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आने वाली है। मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऐड कर देंगे।
डिनोमिनेटर में गड़बड़ करी ना तुम लोगों ने बच्चों। ऊपर हमें इफेक्टिव मोल चाहिए, नीचे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी। कितने बच्चों ने इसमें गड़बड़ करी थी, डिनोमिनेटर में गड़बड़ करी थी ना बच्चों, क्योंकि ये जो 1 kg ये सॉल्यूशन है, वी हैव टू सबट्रैक्ट द मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई में भी आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दीज क्वेश्चन आर रिलेटिवली टफ, एक तुमसे दिमाग में हिट नहीं करेगा, करवाया हुआ है टॉपिक लेकिन गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके गाइस, हो गया क्लियर? ये बेसिकली ये जो है हमारा, ये हमारा आई एम, या हम बोलेंगे इसे एम इफेक्टिव है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ग्रेट, एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। बच्चा आवाज हाँ हाँ उसी पैटर्न भी इसको किया है, दूसरा तरीका और खराब होगा, अच्छा तो होगा। मतलब मैं वैसे पर बेटा तुम यहाँ पे आई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पहले सी इफेक्टिव, मतलब तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुम आई के बी एम, जब तुम्हारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूट दे रखे हैं, तुम आई एम में समझो वी आर टेकिंग द मोलैलिटी इफेक्टिव। अब मोलैलिटी इफेक्टिव का मतलब है नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नेट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम यहाँ पे आई, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आई किसका लोगी तुम, आई इफेक्टिव, उसका क्रक्स देखोगे आई जो है दैट इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड के एक्चुअल मोल्स कितने। आई इंटू मोलैलिटी को मैं क्या कह रहा चाह रहा हूँ, इट इज मोल्स इफेक्टिव बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आई एम हमारा ये हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे हमने जो न्यूमरेटर में लिया है वो मोल्स इफेक्टिवली ले रखे हैं, हाँ है ना, पहले वाले से इतने मोल्स आए और NaCl से इतने मोल्स आए। क्लियर और नॉट? ये जो ऊपर मोल्स है दैट इज नथिंग बट I1N1 + I2N2, यू कैन रिलेट, हाँ है ना बच्चों, दैट इज गिविंग अस एन इफेक्टिव। ओके गाइस क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको कहीं लिख देता हूँ, I1N1 + I2N2 इज गिविंग अस एन इफेक्टिव, और एन इफेक्टिव को लिखा जा सकता है I net into N1 + N2। मतलब अगर कोई वेंट ऑफ फैक्टर पूछेगा इसका, दो सॉल्यूट प्रेजेंट है और वेंट ऑफ फैक्टर पूछेगा, तो तुम क्या करोगे बच्चों, टोटल मोल्स फाइनली विच इज कितना बच्चों, 7 बाय टोटल मोल्स इनिशियली विच इज 10/3 इज गोइंग टू बी योर आई। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? ओके हाँ बेटा बोलो। हाँ वो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन हो जाए, या ले क्वेश्चन नहीं अगली क्लास में, नहीं आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करवाना है, एक क्वेश्चन इज सफिशियंट टू अंडरस्टैंड। 1.65 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बींग CsCOH, नहीं इन 100 ग्राम बेंजीन। सॉल्यूट हमारा क्या है बच्चों, CsCOH, डेल्टा Tb हमें दे रखा है 0.36 डिग्री सेल्सियस, के भी हमें दे रखा है बेंजीन का S2.57। फाइंड आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। करो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, जो तुमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे है। चलिए एक्सप्रेशन ना बनाओ, करो। केवी का 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस होने से फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डेल्टा है, डेल्टा से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं, करो बच्चों।
हुआ नहीं हुआ, हो गया बच्चों? वेरी नाइस। अच्छा गाइस एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा है इस टाइप से। इसके लिए इसको हमने पानी में फेंक दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर दिस अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। इसके लिए आई क्या होगा? ये जो कंपाउंड मैंने दे रखा, ये सॉल्यूट है, इसको पानी में फेंक दिया, व्हाट इज द आई फॉर इट? हाँ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन। लेकिन ये जो वाटर है इसका क्या करोगे? इट विल नॉट बी काउंटेड इन आई, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये आई में काउंट नहीं होगा, तो इसका आई क्या आने वाला है बच्चों? 5 के प्लस सी एल माइनस एम जी 2+ N2Cl- आई इज गोइंग क्योंकि क्यों सॉल्वेंट में इट इज गिविंग, मतलब वाटर ही तो है सॉल्वेंट में, तो ऐड कर रहा है, इट इज पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ नॉर्मली, मतलब नॉर्मली तुम्हें एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर है गाइस? समझ आ गया हर एक बच्चे को? सर हाँ सॉल्वेंट डिफरेंट हो तो विल काउंट। सॉल्वेंट हाँ हाँ नहीं काउंट कर बच्चों प्लीज, आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन गाइस। नहीं बच्चों भाई आवाज नहीं। हाँ H2 होगा तो नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्वेंट को, मतलब इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट में जाके ऐड हो रहा है। बहुत माइल्ड, इग्नोर, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में रहा होगा, इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके मेरे को लग रहा था कोई बच्चा ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एनी स्टार्ट करते हैं। Fe3+ + 3 CnS- गिव्स FeCNS एंड इट इज रेड इन कलर। ठीक है बच्चों, हमने 0.1 मोलर KCNS लिया एक साइड में, दूसरी साइड में हमने 0.1 मोलर FeCl3 लिया। इसका कलर रेड है? हाँ वही तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। हाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें कहा रखा है एक साइड में, एक साइड में हमारे पास KCNS है, एक साइड में FeCl3 है, ठीक है ना बच्चों? एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेपरेटेड बाय, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, बहुत तेज आवाज आ रही, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ रेड कलर कहाँ पे आएगा, कौन सी साइड में आएगा? KCNS वाली साइड में आएगा, FeCl3 वाली साइड में आएगा, दोनों साइड में आएगा, या किसी साइड में नहीं आएगा? रेड कलर कौन सी साइड में आएगा, KCNS, FeCl3, या दोनों साइड, या किसी भी साइड? डायग्राम क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना बच्चों? दोनों का हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, प्लीज ध्यान दो, ये सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है बच्चों। अब हमें पूछा गया है दे आर सेपरेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन, जस्ट टेल मी रेड कलर कहाँ पे आएगा, कौन सी साइड में आएगा और क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कलर किसी भी साइड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूट का तो मूवमेंट ही नहीं होता, सॉल्वेंट का हो रहा होता है। गेटिंग द आइडिया नॉट? देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर इधर से उधर जाएगा, हाउ विल दे मिक्स? गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? देयर विल बी कलर ऑन नाइदर साइड बिकॉज इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। बच्चों का ध्यान नहीं गया था ना इस चीज पे?
नहीं नहीं बता बच्चों प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं, वी आर डिस्कसिंग अनदर क्वेश्चन बच्चों। दो यार। H2SO4 दे रखा है हमें, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। इट इज 38% बाय वेट, वैन डॉ फैक्टर भी दे रखा है 2.5, KF भी दे रखा है एज 1.86, वाटर का बच्चों। ओके एट व्हाट टेम्परेचर बैटरी विल फ्रीज, बैटरी बैटरी में था एक ऐसे तो फोर वॉज इन अ बैटरी स्टोरेज बैटरी, बैटरी विल फ्रीज, बैटरी के कंटेंट्स विल स्टार्ट फ्रीज। H2SO4 was present in a battery, something I did not write down. When will it freeze? That's the whole point. Battery contents will freeze. ये लो अब ठीक है। डेल्टा डी एफ निकालना है, उसके बाद माइनस साइन करके डिग्री सेल्सियस में आंसर दे देना। डेल्टा डी एफ निकालोगे, अब जीरो से डिक्रीज आएगा क्योंकि वाटर है, तो जो भी तुम्हारा डेल्टा डी एफ आया उसके आगे नेगेटिव साइन डिग्री सेल्सियस में विल गिव अस द फ्रीजिंग पॉइंट। बस एक्सप्रेशन दे दो मुझे डेल्टा डी एफ का, बहुत आसान है, आई भी दे रखा है बच्चों। तुम अगर गलती करोगे सिर्फ मोलैलिटी में करोगे तो आई वुड रिकमेंड कि स्क्रीन पे ना देखो, खुद से करो। बेटा ये क्या था बच्चे, तो आया नहीं आया, ये 100 माइनस 38 करा था नहीं करा था बच्चों, ये बता दो। लिख दिया था ना, वेरी नाइस बच्चों, जस्ट अ सेक। अब हमारा एक टॉपिक बच गया था, नहीं, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं गाइस, एक छोटा टॉपिक है उसको और कर लो बच्चों, आवाज नहीं थी गाइस, होल्ड ऑन अ सेक, 1 सेकंड गाइस। हाँ बच्चों गाइस, इमिसिबल लिक्विड्स, एक इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या है, हमने ए और बी को मिक्स किया और दोनों का दोनों अलग अलग लेयर बना दी, मिक्स ही नहीं हुए। अब मिक्स नहीं होंगे तो प्रेशर टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, जरा बताना मुझे। पी नॉट ए एक्स सी प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है ना जनरली, हम कहेंगे जहां पे प्योर मतलब जहां पे सॉल्वेंट है वहां पे सॉल्वेंट पड़ा है, प्योर सॉल्यूट कि जहां पे है वहां पे सॉल्यूट ही है, मतलब आर यू गेटिंग टू डिफरेंट लेयर्स का मतलब मिक्सिंग तो हुई नहीं, तो कहना है सिंपली से एक्स ए और एक्स बी विल बी वन, सॉल्यूट भी प्योर है सॉल्वेंट भी प्योर है, तो इट विल बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी सिंपली। हाँ है ना बच्चों, एंड दिस इज अ वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूट, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। ने ऐसा कुछ सर कुछ तो बताया था जीओसी का एक लेक्चर आपने लास्ट में दिया अरे था। बच्चों अभी शांति हो जाओ, हाँ अभी ये तुम्हें याद होगा, ये मैंने जब प्योरिफिकेशन करवाया था उसमें ये था, ये उसी का क्वेश्चन है, पी टोटल विल बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, हाँ दोनों वॉलेटाइल है और तुम्हारा दे आर फॉर्मिंग सेपरेट लेयर्स, तो एक्स ए बी वन एक्स बी वन, दिस इज प्रेशर टोटल का है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, प्लीज एक चीज और डू यू रियलाइज, ये जो हमारा सोल्यूशन है इट विल बॉयल एट अ लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर देन बोथ ए एंड बी, कि प्रेशर टोटल इन दोनों से ज्यादा है तो दिस सॉल्यूशन विल बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जब हम इस कर्व को देखो, हम कहते हैं ये ए है, 1 सेकेंड, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, जब तुम सॉल्यूशन लेते हो तो उसका वेपर प्रेशर लाइज बिटवीन ए एंड बी समवेयर ओवर हियर, लेट अस अज्यूम दिस इज व्हाट यू हैव, तो
बच्चों इसमें बॉइलिंग पॉइंट ए का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ए को तुम्हें यहां से 1 एटमोस्फियर पहुंचाना पड़ेगा, बीच में सॉल्यूशन का होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बी का। भाई वेपर प्रेशर बी का ये है, प्योर बी का ए है, ये है वेपर प्रेशर, हमें इसे 1 atm पहुंचाना है, बी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी मिनिमम, ए का बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, और सॉल्यूशन का लाइव करेगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन यहां पे जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों से ज्यादा है, उन दोनों का सम है, तो इट विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर देन बोथ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से कम होगा, सॉल्यूट से भी और सॉल्वेंट से भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहां पे अटका हुआ है, इसके लिए सबसे कम हीट देनी पड़ेगी टू बॉयल इट। आए ना बच्चे, क्लियर हुई ये चीज, नहीं हुई? ग्रेट, इस इमेज को मैं हटा रहा हूँ जो मैंने डायग्राम बनाया। नहीं, तुमने नोट तो कर ही लिया होगा, जस्ट 1 सेकेंड का नहीं, फिर मेरे को उस हिसाब से मैंने लिखा नहीं था। अच्छा एक और चीज बच्चों, हमें मोल्स चाहिए इन वेपर फेज, तो डू यू रियलाइज यहां पे क्या होगा बच्चों, हमारा दिस इज पी ए, मतलब दिस इज प्रेशर ड्यू टू ए, दिस इज प्रेशर ड्यू टू बी, क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे गाइस, वहां पे क्या करेंगे, पी नॉट ए विल बी पी टोटल इनटू वाई ए, एंड पी नॉट बी विल बी इक्वल टू पी टोटल इनटू वाई बी, दिस विल गिव अस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, अगर डिवाइड करोगे यू विल हैव सिंपली एन ऑफ या एन ऑफ ए बाय एन ऑफ बी विल बी सिंपली पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, और ये एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, गेटिंग द आइडिया नाउ, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस, लेट अस डू वन क्वेश्चन बच्चों, हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया, ऑफ क्लोरोबेंजीन, टेम्परेचर 90.6 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर टोटल इस वक्त था 1 atm, सब्सटेंसेस क्लोरोबेंजीन एंड वाटर आर कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीट इमिसिबिलिटी, वन सेकेंड अच्छा ओके, ऑफ लिक्विड फाइंड मास ऑफ क्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ डिस्टिलेट, वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 90.6 डिग्री सेल्सियस इज 538.9 टॉप। बेसिकली पी नॉट ऑफ वाटर दे रखा है, पी नॉट ऑफ क्लोरोबेंजीन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते बच्चों, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर पकड़ा रखा है 1 atm, तो हमें पता है 760 विल बी इक्वल टू 538.9 प्लस पी नॉट ऑफ क्लोरोबेंज, आए ना बच्चों ये कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी, मैं वैल्यू बता रहा हूँ इतना आएगा। अब हमने दोनों वेपर फेज में गए, आए ना बच्चों, डिस्टिलेट मतलब जो डिस्टिल करने पे वेपर गए, उसके अंदर पूछा गया है अगर 100 ग्राम टोटल गया तो उसमें क्लोरोबेंजीन का कंटेंट कितना था। गाइस अभी तुमने देखा था या नहीं देखा था, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी
कैन बी सिंपली रिटन एज एन ए बाय एन बी व्हेन एन ए एंड एन बी आर द मोल्स इन वेपर फेज। हमें पूछा गया था कंटेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन ना बच्चों, तो इट विल बी 221.1 बाय 538.9। लेट द टोटल मास अगर 100 है तो लेट द मास ऑफ क्लोरोबेंजीन बी एक्स, सो यू विल हैव एक्स बाय मोल का मास ऑफ क्लोरोबेंजीन ओवर 100 माइनस एक्स बाय 18 बच्चों। क्लियर हुआ है ये चीज गाइस? एक मिनट और रुक जाओगे।